नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, हेलो। हाँ, पीके सर से बात हो जाएगी? आप कौन? मैं श्रीनिवास सिंह बनारस से बोल रहा बताइए। हूँ। चलिए, संयोग होगा कि बात हो गई। जो कई बार ट्राई किया मैंने, बताइए। बेल तो जाती है लेकिन नहीं हो पाती। आज बहुत सही। अच्छा, और आप स्वस्थ हैं, मजे में है ना? मैं इसलिए फोन किया था क्योंकि सन 2000 का ग्रेजुएट हूँ और 2004 में भी बीटीसी में गया था, कुछ अंक से रह गया था। आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो 2004 में तो जो है साइंस वालों का मेरी जो है तो हो गया, आर्ट्स का ज्यादा चला गया था। एग्रीकल्चर को उस समय जो है उन्होंने आर्ट्स में डाल दिया था। उसके बाद फिर अप्लाई किया गया 2011 TET पास करके, तो बहुत ज्यादा तो नहीं रहा, 94 नंबर रहा ना, तो नहीं हो पाया उसमें भी। उसके बाद तो फिर अप्लाई करते रहे, पता ही नहीं चला कि कहाँ है, क्योंकि पुराना जो हम लोग पढ़े हैं 97 के, हमें 2000 का ग्रेड है, तो लाइफ टाइम तो हो गया है जो है 2011 का। बाद में जो है मैंने 18 में भी टेट कर दिया, पास कर लिया ना, 2018 में पास के लिए, 2011 में भी 94 नंबर है, लाइफ टाइम भी हो गया। तो अच्छा, 12 में भी अखिलेश यादव ने भरवाया था, उसका भी पैसा वापस नहीं हुआ, भरा गया था कई जगह, जो है अभी भी नहीं मिला। तो आपका सुन करके जो है बातचीत होती है लोगों का, तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है और अच्छा लगता है कि चलिए जो है। तो 2011 पासिंग है टेट जो है, 94 नंबर है। याची वगैरह भी नहीं बन पाए कहीं, कुछ नहीं। टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो रही है जो है ना, अभी तक नहीं हुआ, 50 साल अवस्था पहुंचने वाली है। अच्छा, तो क्या उसमें है कुछ जो है संभावना जो 2011 जो है TET में? आपने अपने बारे में बताया काफी कुछ। जी एक एक चीज पर एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आपने जैसा बताया कि आप जो है सन 2000 में बीएड आप किए थे जी 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 और फिर 2004 में आपने आवेदन भी किया था जी जी और 2007 2008 में सब उसमें में भी। किया, कहीं थोड़ा अच्छा नहीं हूँ अच्छा सर, सब में अच्छा किया हूँ। अच्छा ठीक है। तो 2004 2007 2008 जो विशेष बीटीसी की भर्तियां आई उसमें भी आवेदन जी किए हैं। और वैसे भी सन 2000 से लेकर 2010 के बीच में यूपी के अंदर बीटीसी पर रोक लगा हुआ था, आपको जानकारी होगा ही। उस वक्त विशेष बीटीसी चल रहा था, बीएड वालों को 6 महीने की जी ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको नियुक्त किया जाता था। तो उसमें आपने आवेदन जी किया है, फिर भी उसमें जी जिन भी कारणों से नहीं हो पाया, फिर आपने जो है 2011 में पास किया। तो आपको दो चीज़ बताएं, पहले क्लियर करें कि एक जी बॉर्डर लाइन है सन 2010, ठीक है। जी जब भी हम किसी पुराने समय की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास को भी हम लोग देखते हैं, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। एक बॉर्डर लाइन बना जी लेते हैं कि इतने समय को एक साथ देखेंगे, इतने समय को एक साथ, इतने समय को एक साथ। तो कुछ जी ऐसा ही है यूपी की शिक्षा व्यवस्था जिसको हम चर्चा करते रहते हैं। तो इसमें हम दो भाग बांट लेते हैं कि सन 2000 से लेकर के 2010 तक, ठीक है। जी ये हम क्या बांट लेते हैं, गवर्नमेंट ने बांट करके रखा है, उसी के हिसाब से हाँ प्लानिंग जी करके चल रही है। और फिर जी 2010 के बाद से अब तक का समय, ठीक है। तो जी जी जो 2000 से 2010 का समय है उस दौरान सिर्फ विशिष्ट बीटीसी लिया जा रहा था, बीटीसी भी नहीं था, ठीक है। जी और जी उस समय टेट एग्जाम भी नहीं था। जी तो उस समय भर्तियां आई, जो भी हुआ वो सब आप जान रहे हैं कि जो भी भर्ती आती थी उस समय कैंडिडेट कम होते थे, भर्तियां ही काफी थी। लेकिन फिर भी जो जी भी भर्ती आई उसमें जो भी हुआ, जैसे भी कुछ लोग रह गए वंचित नियुक्ति से, जैसे आप हैं और अन्य लोगों के भी कॉल आते रहते हैं। तो जी अगर प्रक्रिया पूरी हुई होती, जो पद थे खाली सारे भरे गए होते, तो आप लोग को उसी समय नियुक्ति मिल चुकी होती, आज तक परेशान न होना होता। बहुत सारे लोग अभी भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, हाँ सर, एक ठीक चीज है। सुना उसमें थोड़ा सा जी, जो वो 46,189 पद था 2004 में मुलायम सरकार ने निकाला था, ठीक है सर। तो उसमें जो है 309 के आसपास था जो ना, 1 पॉइंट तो कुछ अंतर था, तो 10,000 उर्दुओं को बाद में कर दिया हम लोग जो ना, एक बद्रीनाथ चौधरी करके था जो है कोर्ट में केस किया गया था, है ना।
हाँ, तो वहाँ प्रशिक्षण जो है वहाँ पर जा करके लखनऊ में जो एक फाइल बनी थी हम लोगों की जो है, हाँ, कि चलिए जो सीट जो है 46,189 है, लेकिन 30,000 के अपॉइंटमेंट हुआ, 10-12,000 बचा हुआ है, 15,000 आप लोगों का थर्ड लिस्ट निकाल कर भी कर दिया जाएगा, करते रहे। लेकिन तुष्टिकरण की ऐसी जो है रही कि जो है उर्दू विषय का कर दिए ना, मुलायम सरकार जो है थर्ड लिस्ट न निकाल करके हम लोगों का, आर्ट्स के स्टूडेंट एग्रीकल्चर को उस समय आर्ट्स में कर दिया था, जो कि साइंस का जो है एग्रीकल्चर माना जाता है, उसी का शिकार होकर के एक नंबर से आज भी जो है इस 50 साल की अवस्था में भी जो है कहीं नहीं लग पाया ना। तो 2011 में TET वही पास किए हैं, 94 नंबर था, है ज्यादा तो था भी नहीं ना। 2011 में 12 में भी आवेदन किया गया, तो आपको उसका बता पैसा दें कि जैसा आपने बताया कि 2004 में जो मुलायम सिंह की जो विज्ञप्ति थी 46,000, या फिर बाद में मायावती जी के कार्यकाल में जो भी विज्ञप्ति है, तो जी जैसे आपने बताया कि 46,000 था, लेकिन 30,000 भर्ती हुआ, फिर और पद रिक्त रह गए और फिर लिस्ट नहीं जारी हुई और आगे प्रक्रिया बढ़ी नहीं अब तक। ऐसे ही जी सन 2000 से लेकर अब तक जितनी भर्ती हैं सबका यही हालत, जो भी पद भर लिए गए भर लिए गए, जो खाली हैं वो विवादित ही रह गए, वैसे ही पेंडिंग रह गए, कुछ आगे हुआ नहीं। तो हर तरह के जी हर भर्ती के लोग जो है अभी तक बैठे हुए हैं, कुछ लोग उम्मीद लगाए हैं, कुछ लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, कुछ लोग तो उम्मीद ही खो बैठे हुए हैं, वो इधर अब ध्यान भी नहीं देते हैं। खैर, तो गवर्नमेंट जी इसीलिए जो है 2010 से पहले वालों को भी जो है जो कुछ कोर्ट कचहरी हो रहा है या जो भी हुआ है उस पर भी जो है फाइनल करने के लिए मन बना चुकी है और सारी तैयारी कर चुकी है। तो 2010 के पहले वाले में चूंकि जी टेट एग्जाम नहीं था, तो जी उन लोगों से जैसे आप हैं, आप लोगों पर उस समय जी वाले लोगों पर टेट के लिए जी कंपलसरी उनको नहीं किया जाएगा, टेट से छूट रहेगा, ठीक है। एक तो ये, जी और दूसरा आपने जी बताया कि जैसा कि 2011 भी आप टेट पास हैं और 11-12 में आवेदन भी किए, फिर 18 भी, तो जी इधर का जो मैटर है 2010 के बाद वाला, वो टेट पास आ, क्योंकि टेट एग्जाम आ गया था तो इधर जो है टेट पास वाले काउंट होते हैं, और 2010 जी से फिर BTC बहाल हो गया 11 से, तो BTC चलने जी लगा। तो जी 11 में BEd वालों को पहली बार और आखिरी बार मौका दिया गया टेट एग्जाम देने का। फिर 12 में अखिलेश जी की सरकार आ गई, UP में 12 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार रही, केंद्र में उधर कांग्रेस चल रही थी, 14 तक कांग्रेस जी रही। तो न केंद्र ने न राज्य सरकार सपा सरकार ने BEd वालों पर ध्यान दिया, बल्कि इनको और परेशान करने का काम किया, न किसी जी प्राइमरी भर्ती में मौका दिए, न प्राइमरी का टेट ही देने का मौका दे रहे थे। वो तो जी 2018 में ये सरकार आई है 17 में, तो 18 में फिर BEd वैलिड करने के बाद CET में बैठने का जी मौका दी और भर्ती में मौका दी। तो आपका 2011 टेट भी पास हैं आप, तो आप टेट पास वाले जी कैटेगरी में भी आ जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने टेट पास कर ही लिया है। तो जी जो पिछले लोग हैं 2010 तक वाले, उनकी संख्या 5,000 10,000 ऐसे ही कुछ होगी, ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग टेट पास करके कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती में, TET PGT में, या 2011 वाले में, या फिर 69,000 वाले में कहीं ना कहीं ले लिए हैं, तो जी उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। और 2011 जी वाले जो हैं वो करीब 50-60 हज़ार हैं, और फिर जी जो 12 से लेकर के 17 के दौरान वाले जो हैं वो करीब 30-40 हज़ार बचे हुए हैं, और फिर 2018 वाले करीब 4 लाख टेट पास थे, जिसमें कि पुराने लोग भी हैं, लाइफ टाइम होने से वो पुराने में भी काउंट हो रहे हैं, नए में भी। उनकी संख्या अगर 69,000 नियुक्ति पाने के बाद हटा दी जाए, घटा दी जाए, तो ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 लाख 1.5 लाख जो भी बचेंगे। तो ये सारे लोग का जैसा जी आप सुनते भी रहते हैं, तो हम बताते रहते हैं कि पद जो है UP में 4,80,000 प्राइमरी में है, और अब प्री प्राइमरी भी जी शुरू हो गया है, तो वहाँ भी करीब 6 लाख के आसपास पद बताए जा रहे हैं। तो पद जी तो करीब 10 लाख हैं कुल UP में ही सिर्फ, ऐसे ही पूरे जी भारत के सभी राज्यों में है। और जो केंद्र जी सरकार है वो नई शिक्षा नीति लेकर आई है 29 जुलाई 2020 को, और जी अभी 2021 में 1 वर्ष पूरा होने पर जो है उसको प्रोग्राम भी रखा गया था। तो जी जो नई शिक्षा नीति है उसमें जी पूरे, चूंकि जो शिक्षा नीति होती है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर जूनियर हो, मिडिल हो या फिर हायर एजुकेशन हो, सबके बारे में उसमें जिक्र है कि आगे अब क्या जी कैसे करना है। तो जी आज से 34-35 साल पहले नई शिक्षा नीति आई थी, और अभी आई है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी में। तो जिसके तहत जो है जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन करने की बात कही गई है, जिसमें कि
मूल रूप से प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, और आप देख भी रहे हैं कि लगातार न्यूज आते रहते हैं प्राइमरी प्री प्राइमरी से संबंधित, हाँ जी और ऑपरेशन कायाकल्प चला करके इसमें बदलाव भी काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। और अब जी एक योजना के तहत जो है हर कक्षा में एक शिक्षक, ये कार्यक्रम जी चलाने जा रहे हैं, और हर कक्षा में एक शिक्षक को देखते हुए जो प्री प्राइमरी होगा वहाँ पर भी प्ले होगा, LKG UKG 1 2 5 कक्षाएं वहाँ होंगी, तो वहाँ भी एक एक शिक्षक चाहिए, तो 5 शिक्षक वहाँ भी चाहिए। और फिर प्राइमरी की बात की जाए तो प्राइमरी में भी क्लास 3 4 5 रहेगा, तो यहाँ भी हर एक शिक्षक, हर कक्षा में शिक्षक चाहिए। तो प्री प्राइमरी यानी वही आंगनबाड़ी, 1,86,000 आंगनबाड़ी है यूपी में। और जी प्राइमरी स्कूलों की बात की जाए तो करीब 1,58,000 प्राइमरी स्कूल हैं। जी तो कुल मिलाकर के जो विवाद थे BEd BTC DLED शिक्षा में तरह तरह के, उन विवादों को भी हल करना था, तो कोर्ट में जो जी मुद्दे थे काफ़ी मुद्दों को हल कराते हुए गवर्नमेंट आगे बढ़ी है। और जो प्री जी प्राइमरी है उसमें जो NIS से DLED वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं और NTT वाले, उनको वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षा मित्र में भी जी दो कैटेगरी है, तो वो जो टेट पास नहीं है वो चले जाएंगे प्री प्राइमरी में। फिर प्राइमरी की तरफ आने पर जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं 40-50 हज़ार वो, और उसके बाद BEd वाले हैं, BTC है और DLED वाले हैं जो टेट पास 2011 से 2018 के दौरान वाले, तो उनकी जी काउंटिंग जो हो रही है वो लगभग खाली पदों के सापेक्ष, जो हर एक कक्षा में एक शिक्षक वाली योजना है उतना बैठ रहा है। तो जी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 2000 से 2010 के बीच वाले जो लोग हैं उनको टेट से छूट देते हुए, शिक्षा जी मित्रों को टेट से छूट देते हुए, जी और जो टेट पास कैंडिडेट हैं 2011 से 2018 के बीच वाले, इन लोगों जी को नियुक्ति दे करके, उम्र में छूट जी दे करके, अन्य बहुत जी समस्याएं जो होंगी उनमें छूट दे करके, रास्ते बना करके, जी नियुक्ति दे करके पुराना मैटर सब खत्म करना है। अच्छा और ये सिर्फ यूपी में ही नहीं, जी ये योजना भारत के सभी राज्यों में। अच्छा, जी अब कोई काम करना है तो तरह तरह की समस्याएं भी रहती हैं, नए कैंडिडेट्स जी भी हैं, उनकी भी अपनी डिमांड है, उनको भी देखना है। जी जैसे कि हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पर या मंदिरों में कहीं भी भीड़ ज़्यादा होती है तो एक लाइन लगा दी जाती है, भैया आप लाइन से आइए। तो जो व्यक्ति जल्दी चाह रहा है अब उसको लाइन लगने के बाद इंतज़ार करना पड़ता है, तो जो जितना आगे उसके साथ उतनी जल्दी, जो जितना पीछे वो उतना ज़्यादा इंतज़ार करेगा। तो अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही प्लान किया गया है कि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा कैसे रोका जाए, तो नीतियाँ होती हैं, अब चाहे जिस रूप में जैसे भी रोका जाए, तो फिलहाल आप देखेंगे चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या यूपी हो, सब जगह जी से एक न्यूज आ रहे हैं कि TET एग्जाम जो है रद्द, या TET एग्जाम में ये विवाद हो गया, कोर्ट में चला गया, एक साथ हर जगह से आ रहे हैं न्यूज। राजस्थान में रीट में देख जी लीजिए, अपने यूपी में देख जी लीजिए, और अभी महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसे ही न्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना जी कहीं इन चीज़ों के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिचुएशन को भी हैंडल किया जा रहा है, और जो इस तरह के गलत लोग हैं उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, जो चीज़ें की है, वो उसी से रिलेटेड चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं। खैर, हर कोई ये चीज़ समझ नहीं पाता, उनको तो बस अपने नज़रिए से देखना रहता है, उनको लगता है कि ये सब जी गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जो समझ रहा है सारी चीज़ों को तो वो लिंक कर लेता है, तो ये उसी प्लान का जी हिस्सा है एक तरह से। तो नए कैंडिडेट्स को भी कंट्रोल करना है और पुराने लोग को भी देना है। तो नए लोगों को कंट्रोल करने के लिए आप देख रहे हैं यूपी में नई भर्ती आएगी, नई भर्ती आएगी, नई भर्ती आएगी, हल्ला है सिर्फ, लेकिन आ नहीं हाँ रही हाँ है। जी तो क्योंकि अभी इनको पुराने मैटर खत्म करने हैं। जी कोर्ट में आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके पास जो फाइलों की कंबार लगा हुआ है, बहुत सारे पेंडिंग केस हैं, जजों के ऊपर काफ़ी बोझ है। तो वो बोझ जो जी है वो कहीं ना कहीं जो है विवादों के कारण होता है, विवाद ही न रहे तो वो फिर कोर्ट कचहरी का मैटर वो भी खत्म हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ से ये विवाद खत्म हो सकते हैं उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। हर राज्य से जी शिक्षा विभाग के बहुत सारे केस जा रहे थे हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो 2017 का ऑर्डर है उसमें स्पष्ट लिखा है कि नई नीतियां तैयार करें, और एक ऐसी नीति तैयार करें कि इस तरह के विवाद का जन्म बार बार ना हो। जी कैंडिडेट पढ़ाई कर लिया, अब उसको नौकरी मिल जाने के बाद चाहे वो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जाकर के स्कूल में पढ़ाना चाहिए, स्वस्थ मानसिकता के साथ पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो सड़कों पर धरना कर रहा है,
कोर्ट कचहरी कर रहा है, वो इसमें उलझा पड़ा है, तो ये सब चीजें ना हो, तो गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति लेकर आ गई है। हर राज्य में नए आयोग का जो है सृजन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है एक रूपता लाने की, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम कानून बने हैं उनको एक जैसा बना करके और स्ट्रिक्ट रूल बना करके, नियम जो भी हैं वो स्ट्रिक्ट बना दिए जाए, एकदम क्लियर रहे कि जो भी चीज, तो विवाद उत्पन्न ना हो जिससे बार बार। तो गवर्नमेंट ये सारे काम कर रही है। और नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति की जो हमें जानकारी मिल रही थी उस हिसाब से हम बराबर बता रहे थे, और जून में जो है TET भी लाइफ टाइम हो गया, क्योंकि लाइफ टाइम टेट एक्सपायर था, बिना टेट की वैलिडिटी बढ़ाए तो आगे काम बढ़ ही नहीं सकता था। BEd भी वैलिड नहीं था, तो BEd को तो 2018 में वैलिड कर दिया गया, प्राइमरी मौका दे दिया गया। हाँ जी, बीच में जो जो भी खत्म हो गया था। और फिर TET वाली समस्या थी तो जून में वो भी हो गया। तो जब जून में हो गया तो जो जानकारी मिल रही थी लग रहा था कि अब जल्दी ही शुरुआत हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा काम है, इतने सारे मुद्दे हैं, अन्य राज्य भी हैं, सबके यहाँ अलग अलग समस्याएं हैं, तो जिसके कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। अब जो भी आगे जो भी पीछे चल रहा हो, तो उम्मीद कर किया जा रहा है कि जनवरी फरवरी या फिर जो डेडलाइन रखी गई है अप्रैल 2022 जो है सभी राज्यों को जो दिया गया है समय, तो इस समय के दौरान ये घोषणाएं हो जाएंगी। तो थोड़ा सा चाहे अब 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, जो भी लगे, घोषणा जल्द ही होगी। अरे सर, जब 50 साल बीत गया तो 2 महीने, 4 महीने तो हाँ 50 साल बीत गया हाँ 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 बिल्कुल वही हम सबसे कहते हैं भाई, जब इतना इंतजार कर लियो, अब बिना आपके ना। धरना बिना कोर्ट कचहरी किए TET अपने आप लाइफ टाइम हो गया, बिना कोर्ट अच्छा कचहरी धरना एक किए BEd चीज वैलिड हो बताइए गया। सर। हाँ नहीं, सही कहा। एक चीज बताइए सर, तो जैसे मान लीजिए हम लोग हैं 2004, 2011, 2018 जो भी है ना, तो इसमें कुछ करना होगा कि ऐसे चुप मार के खाली देखते रहना है, आपका बस अटेंड करते रहें, जानकारी लेते रहें। 2017 में भी कुछ लोग धरना कोर्ट कचहरी, हम भी कर रहे थे धरना, फिर धरना में दो चार धरने में जाने के बाद और हमें जब जानकारी हुई तो फिर हमने लिखना शुरू कर दिया, बताना शुरू किया। हमने सबसे कहा, तब से कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घर में बैठ करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेते रहना है, एक्टिव रहना है, क्या चल रहा है जानकारी लेते रहें, करना कुछ भी नहीं है। जिस दिन घोषणा होगी, घोषणा होने के बाद जो है जो कहा जाएगा, जैसे कहा जाएगा वो करना होगा, सावधानी के साथ, कोई गलती नहीं करना होगा ताकि अब फिर कोई विवाद न जन्म ले। अब मान लीजिए किसी ने जो अपना कोई डॉक्यूमेंट जो है गलत लगा दिया या कुछ उल्टा सीधा फॉर्म में गलत भर दिया, वो सब ध्यान देकर, और सारी चीज हम बार बार बताते रहते हैं, निवास हुआ या अन्य जो पेपर्स हैं वो लेटेस्ट, जिनका काफी समय पुराना हो गया लेटेस्ट बनवा लें, मतलब तैयारी अपना रखें और धैर्य के साथ थोड़ा सा और इंतजार कर लें। जैसे इतना किए हैं तो TET लाइफ टाइम इसीलिए किया ही गया है कि ये सारे काम होने हैं। जो कक्षा 1 और 2 है वो प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में इसीलिए डाला गया है ताकि जो विवाद है उनको हल किया जा सके, शिक्षा मित्र जो टेट नहीं पास कर पा रहे उनको टेट से छूट देते हुए वहां पर किया जा सके। तो गवर्नमेंट सारे रास्ते बना करके तब आगे बढ़ी है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि परसेंटेज का दिक्कत था, 50% से कम नंबर पर वो BEd किए थे, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने गजट जारी कर दिया कि जिनके नंबर 50% से कम है ग्रेजुएशन में और उन्होंने अगर जो है 2011 से पहले BEd में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, उसमें शायद जुलाई का महीना है कोई तारीख, उसने जुलाई से पहले जो है अगर एडमिशन ले लिया है तो वो मान्य है, 50% से कम वाला भी लिया जाएगा। तो जो भी चीजें हैं सारी फाइलों पर बैठ करके अच्छे से एक एक बिंदु पर चर्चा करके हर व्यक्ति की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सारे गजट अपने कर लिए हैं। अभी 1-2 महीने पहले स्पेशल BEd और MEd के लिए भी गजट किया गया है ताकि जब शुरुआत हो ये प्रोग्राम तो किसी के साथ कोई समस्या आने ना पाए, कोई विवाद जन्म लेने ना पाए। और चूंकि इतना बड़ा काम है और हर व्यक्ति का ख्याल रखा जा रहा है, कोई छूटने ना पाए, तो पहले ही सारी तैयारी की जा रही है। तो तैयारी में आप जानते हैं समय लगता है, किसी के घर पार्टी हो, शादी हो, विवाह हो, तैयारी में ज्यादा समय लगता है, होता कार्यक्रम एक ही दिन है। तो वैसे ही सरकार जो है जब 20 साल की चीजों को लेकर चली है तो BEd वैलिड करना, 50% से कम वालों के लिए गजट करना, TET को लाइफ टाइम करना, ये तो मान लीजिए बड़ी चीजें हम लोग को दिख रही हैं। और भी सरकारी काम होते होंगे, हम लोग को नहीं जानकारी है, वो सब कुछ अंदर अंदर चल रहा है। नई शिक्षा नीति ही जैसे तैयार हुआ है तो उसको लिखने में बनाने में बहुत सारे लोग लगे रहे हैं, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट का काम है, वो कर रही है, ये सब हम लोग तो नहीं जानते कैसे कर रही है, कितना समय लग रहा है। तो सामान्य लोग तो बस कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं। तो लाइफ टाइम क्यों होता
सर, वही वही बात। लाइफ टाइम होने का मतलब ही कुछ ना कुछ है। अब वहां तक पकड़ नहीं नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आजीवन करने का मतलब क्या हुआ इनका। अच्छा एक और चीज और सबसे, सॉरी हाँ इसमें, जैसे आपने आजीवन के लिए कहा, तो गवर्नमेंट चाहती तो आजीवन आगे कर देती, पीछे वालों को छोड़ देती, कौन क्या कर लेता। लेकिन पीछे भी हाँ किया है, इसीलिए किया है कि पीछे वाले सारे मैटर खत्म करने हैं। हाँ पूछे, क्या पूछ रहे थे। यह पूछ रहे थे कि एक बार बीच में हम लोग जो ना जूनियर का जूनियर भी पास किए थे, है ना, जो है जिसको जो बीएड वालों को एक बाद में किया गया, जो है ना प्राइमरी को खत्म करके जूनियर को, तो उसका भी अपॉइंटमेंट इन्होंने खाली जो है वो एग्जाम लिया और पास कराया, कुछ किया नहीं हमको लगता है देखिए, जूनियर का। जूनियर में जो भर्तियां होती हैं जी डायरेक्ट तो पहले होती नहीं थी, वो हाँ जो जी प्राइमरी में थे टीचर उन्हीं को प्रमोट करते थे। 5 साल जी जो जिंदा कार्यकाल हो जाता था, अभी जैसे कल ही परसों न्यूज आई थी 50,000 जो है ऐसे लोग हैं जिनका 5 साल पूरा हो रहा है और प्रमोशन का टाइम आ गया है, तो वो प्रमोशन से ही भरे जाते थे। फिर बीच में अखिलेश यादव जी ने 29,000 की भर्ती निकाल दिया साइंस वालों का। साइंस तो मैथ तो किए हैं वो, कहीं गया हाँ, साइंस मैथ का तो हुआ है, इंग्लिश वगैरह हम लोग थे, इंग्लिश का नहीं किए, है ना। क्योंकि भर्ती वो जी निकाले, उस तरह की भर्ती आती नहीं थी, तो उन्होंने जो है ढंग से ना कोई नियम कानून बनाया ना कुछ, ऐसे ही निकाल दिया। और ज्यादातर जो 29,000 में सिलेक्ट हैं वो उनके जी कुछ खास वर्ग के लोग या उनके खास लोग को अंदर करना था, इस वजह से उन्होंने किया था। और वो भर्ती भी विवादित है और अभी तक कोर्ट में है। अच्छा तो अच्छा भर्ती अच्छा जूनियर की आती नहीं थी, एक भर्ती वो आई थी, और अभी हाल ही में एडेड स्कूलों की एक भर्ती जूनियर की आई है। तो अच्छा अब जो है, जो आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि बन चुका है और वो अपने जी कार्य धीरे धीरे शुरू कर रहा है, तो अब इस आयोग के जी माध्यम से ये भर्तियां जूनियर की भी आएंगी। अब प्रमोशन भी वही आयोग कराएगा, प्राइमरी की भर्ती भी अब वही करेगा, सारे काम अब उस जी आयोग के माध्यम से होंगे। तो जूनियर की भी भर्ती आएगी, और जूनियर की भर्ती चाहे वो प्रमोशन वालों की हो या फिर बाहर जो फ्रेश कैंडिडेट बैठा है उनका हो, एग्जाम के माध्यम जी से होगा। जैसे सुपर टेट यहाँ हो रहा है, वैसे ही वहाँ भी होगा फिर ये सुपर टेट। बस ये होगा कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको 5 साल के एक्सपीरियंस का वेटेज मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम तो वहाँ अच्छा, भी तो होगा, एग्जाम देना पड़ेगा, डायरेक्ट ये भर्ती जो नहीं होगी। साइंस मैथ के जो अपॉइंटमेंट हुआ है जूनियर का और विषयों का तो नहीं हुआ है ना, साइंस मैथ का ही हमारे समझ से हुआ, जो कि सारे विषय को होना चाहिए, इनको जो है देना चाहिए, तो क्या इनके जो नौकरी कर रहे हैं, पूरी सैलरी पा रहे हैं, सारी चीजें हैं इनका, तो क्या ये भी शिक्षा नीति की तरह इनका भी ऐसा झटका लग सकता है क्या? देखिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जो योग्यता जी वो ये पूरी करते हैं। अब अच्छा भर्ती कैसे हुई वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो भर्ती कैसे करेगी। तो अगर रूल को देखा जाए, नियम को देखा जाए, तो नियम अनुसार कैंडिडेट ने तो कोई गलती नहीं किया है और कहीं भी वो अयोग्य नहीं घोषित हो सकते, ठीक अच्छा है, वो योग्य हैं। शिक्षा मित्र मैटर में क्या था, कई बिंदु थे। पहला तो उनके लिए केंद्र से अप्रूवल ही नहीं लिया गया था, दूसरा वो टेट नहीं पास थे, बहुत सारी चीजें थी। एक तो वो संविदा कर्मी भी नहीं थे, वो सिर्फ सेवक के रूप में थे, बहुत सारे पॉइंट थे। 91 पेज में डीवाई चंचुरिया ने उनके बारे में लिखा है सब कुछ। अच्छा अच्छा लेकिन जी 29,000 भर्ती में एक तो ये पॉइंट हो गया कि नियम अनुसार वो योग्यता रखते हैं, और दूसरा जी देखा जाए तो अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है उस पर, और अभी तक वो पेंडिंग है। तो अच्छा कल को कुछ भी फैसला आ सकता है। कोर्ट अगर किसी पॉइंट पर सहमत नहीं होगी तो इन उनतीस जी हजार को भी कह सकती है, भैया आपको भी ये भर्ती आ रही है, इसमें फॉर्म भर के एग्जाम देना पड़ेगा, और आप इतने साल पढ़ाए हैं, आपको हम संविदा कर्मी जी घोषित कर देते हैं, इतने साल आपको, इतने साल के जो है पढ़ाने का अनुभव दे देते हैं। तो कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है, ठीक हाँ है। जी जैसे कि सन 2000 से लेकर अब तक जितने भी एडेड कॉलेज में पढ़ाने वाले टीजीटी पीएचटी वाले थे, तो हाँ कोर्ट में मुद्दा गया जी तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा सन 2000 से अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं मैनेजमेंट के थ्रू, हाँ वो सारे जी संविदा जी कर्मी माने जाएंगे। हाँ हाँ जी तो हो सकता है कल को इसमें भी फैसला ऐसा ही आ जाए, हो हाँ, सकता है। उसी का लीपा पोती न कर रहे हैं सर, एक कोर्ट जो है सब जो पोस्टें नहीं दे रहे हैं कदर का, कि जिसकी कुछ ये जो जोड़ देंगे अभी तक तो जुड़े नहीं है ना, इसी में हुआ नहीं, उसमें यह है ये लोगों को हटाए ना या जो करें उससे क्या मतलब है, अपनी व्यवस्था ये कि और विषयों का जो भी सोशल है, साइंस है, अंग्रेजी है, गणित है, साइंस को छोड़ करके और भी विषय हैं उसमें नहीं निकली, और परीक्षा ले करके पास करा करके उसको हमने इसमें हमने आपसे रखते भी हैं। बताया ना कि एक खास वर्ग को या कुछ खास लोगों को उनको जो है नियुक्त करना था, उस कारण से उन्होंने एक तरफा सब कुछ किया। और अब जो होने जा रहा है, अब वो ये होने जा रहा है कि
जो भी भर्तियां होंगी, जो भी पद खाली हैं, सब एक साथ विज्ञापन जारी होगा। यानी अगर आर्ट्स में खाली है तो आर्ट्स के भी, साइंस के हैं तो साइंस के भी, जो क्राफ्ट के हैं, ड्राइंग के हैं, म्यूजिक के, कंप्यूटर के, वो भी सब सारे सारे निकलेंगे विज्ञापन, तो सब एक साथ भरे जाएंगे। और इतना ही नहीं, निकट भविष्य में हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जो प्राइमरी की भर्तियां हैं उनमें भी विषय वाइज टीचर रखे जाएंगे। यानी मैथ का अगर पोस्ट खाली है प्राइमरी में तो मैथ वाले ही वहां रखे जाएंगे, हिंदी का खाली है तो हिंदी वाले ही रखे जाएंगे, वहां भी विषयवार रखे जाएंगे आने वाले नहीं, भविष्य तो में। बहुत अच्छा है, स्पेशली शादी में रहेंगे, जहाँ भी रहेगा तो अच्छा ना, ऑलराउंडर रहता है उस सब्जेक्ट हाँ, ये सारी में। चीजें नई शिक्षा नीति में है, इसका जिक्र है वहां सब कुछ, लेकिन अच्छा योजनाएं जो होती हैं वो अचानक से नहीं लागू हो पाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे क्रमशः। तो अभी कुछ चीजें लागू हो रही हैं, कुछ चीजें 2-4-5 साल बाद लागू होंगी, तो प्राइमरी में भी निकट भविष्य में विषय विशेषज्ञ को ही रखा जाएगा। अच्छा 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 नहीं, ठीक है सर, ये सब तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। मैंने कुछ बनना है नहीं है, याची वगैरह नहीं बनना, बस बस आपको जो है टच करके यहीं जो है देखते बिल्कुल रहना है। भी हाँ कहीं भी याची बनने की जरूरत नहीं। हम बार बार कहते हैं कि ठीक है। हाँ याची बनने से कुछ नहीं होता है, बस हमारा मुद्दा कोई विवाद है, कोर्ट जा हाँ करके उस विवाद का कोई एक निस्तारण करवाया जाता है, ठीक हाँ है। और हम बार बार कहते हैं कोर्ट जो है वो, जो जी बैठा हुआ जज है वो भी एक सरकारी कर्मचारी ही है, और हाँ हाँ उसका जो जी मालिक है वो गवर्नमेंट ही है। और जी कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या आपके हमारे घर का नौकर हो, वो कोई भी अपने मालिक के खिलाफ जाना नहीं चाहता है। नहीं कहना चाहता और भाई। जहां तक सरकार की बात है, जो भी विवाद होंगे तो उसमें जब भी फैसला आएगा सरकार की सहूलियत को देखते हुए फैसला आएगा। अगर किसी एक दो व्यक्ति की बात है तब तो उस एक दो व्यक्ति का उसमें देखा जाएगा कि इनका कहाँ लाभ है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर कोई चीज होगा, लाखों लोग उससे प्रभावित हो रहे होंगे, जी तो सरकार क्या चाहती है, वो कब करेगी, कैसे करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, उसको देखते हुए। जैसे जी बिहार का एक मुद्दा था, बिहार में जी आज भी मानदेय दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, वहां हाँ पर वो जी सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, ग्रेड पे की डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। और वो जी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से जीत गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल ऑर्डर दे रही थी उसमें ऑर्डर में लिखा है उन्होंने कि इनकी जी मांग जायज है, ये होना ही चाहिए, सरकार इसके लिए व्यवस्था करे। लेकिन उन्होंने आगे लिखा कि वर्तमान में सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इनको ये ग्रेड पे दिया जा सके, आर्थिक स्थिति ऐसी अभी वर्तमान में नहीं है, अतः इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अच्छा तो अच्छा अच्छा सुप्रीम कोर्ट जाए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि इनकी मांग भी जायज है, ये चीज होना भी चाहिए सब कुछ, लेकिन जब सरकार ही नहीं तैयार है, अभी उनका बजट नहीं है इस पर बन पा रहा है, तो कैसे उनके फेवर में जजमेंट दे दे, तो उस पर फिर कुछ नहीं हुआ। तो हम बार बार कहते अच्छा हैं कि सर्वो सर्वा सरकार ही सब कुछ है, क्योंकि वो मालिक जी है। और कोई भी यहाँ पर जी नौकरी लेने आया हो, चाहे वो ग्रेड फोर्थ ग्रेड का लेने आया हो या फिर ISPCS फर्स्ट ग्रेड का कोई नौकरी लेने आया हो, वो बनेगा जी सरकारी नौकर ही। जी ये कड़वा लगता है सुनने में, लेकिन सत्य यही अरे है। सर, ये फैक्ट है, यही हाँ फैक्ट यही जो आपने दिया ना बिहार का जो है। हाँ ये लोग जो ना बना रहे हैं जश्न मनाने के लिए, हमको समान पर समान वेतन पर मिल जाएगा हमको जो है ना, सुप्रीम कोर्ट पर गवर्नमेंट ने रख दिया अपना जज वगैरह को जो ना, उनको जो है अंत में नहीं हो पाया, जो हाई कोर्ट से जीत चुके थे है ना, और 40% 40,000 फिक्स कर रही थी बिहार गवर्नमेंट उनको, जो भाई 20,000 40,000, लेकिन ये लोगों को लगा कि हमको पूरा 6 मिलेगा, ये मिलेगा, 60,000 पहुंचेंगे, 70,000 पहुंचेंगे, 40 नहीं माने वहां के शिक्षक संघ ने नहीं माना 40,000 को। हाँ आज मैंने एक जो है फिक्स कर रही थी, जो बिहार गवर्नमेंट कर रही थी, 40,000 मैं दे रहा हूँ है ना, और उसके बाद जो इनको लगा कि 40,000 क्यों फिक्स क्यों होगा। हाँ हम लोगों को वेतनमान चाहिए, और आज जो हालत ये हो गई कि जहाँ पर थे वहीं पर है, 15% बढ़ाने के लिए कहा था, 15% बढ़ाने के लिए कहा था सर अप्रैल से तो वो अभी भी नहीं बनाया, आप कह रहा है कि जनवरी जनवरी से जो भी हो। तो लोग यहाँ समझ नहीं पाते ना कि वो अपने घमंड में या उनके जो नेता रहते हैं अपने नेतागिरी के चक्कर में लोगों को उल्टा सीधा दिमाग में फेसबुक से यहाँ वहाँ लिख लिख करके उल्टा सीधा दिमाग में भर देते हैं। तो होता क्या है कि वो नेता तो अपना क्या फायदा देख करके कर रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो उनके पीछे जो हुजूम चल रही है, एक भेड़ चाल चल रही है, नुकसान तो उन्हीं का होता है, शिकार हो वो जाते शिकार हो जाते नुकसान हैं। और ये सत्य है कि जो आगे होता है बाकी जी। पीछे, और जो भेड़ चाल है वो भेड़ चाल के लिए सोचता नहीं है, दिखाता जरूर है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य है कि वो स्वार्थी होता है,
चाहे वो कोई भी लीडर हो, वो लीडर उनका वास्तविक लीडर टारगेट नहीं बड़ा होता। अपना है, वो अपना चमका करके, अपने चमका करके अपना वो करना चाहता है। तो हाँ ये कमाल है सर। तो एक अब चीज और चाहे बताएं सर, एक चीज और बताएं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था जो है, कुछ याची बन गए 92, 93, 91 पर भी ना, है ना, जो टेट पास जो है 91 नंबर पाए थे, 92 पाए थे 2011 हाँ, में, आठ है सौ ना। उनतालीस लोग हैं कुल अच्छा, तो या उसमें कुछ एक आध हमारे भी परिचित से वो भी याची, क्या ने वो कमर पाया था, लेकिन जो है वो भी याची बन गया है ना। तो जो याची लोगों के संदर्भ में कुछ आदेश दिया गया है, कुछ तो भाई जो है नौकरी पा गए, कुछ लोग नौकरी पा गए याची लोग, अब कुछ लोग बाद में, उसके बाद में नौकरी पाए नहीं है ना, लेकिन उस याची में है ना। उनका जो है वो 100 कुछ नहीं है, बस 92, 94 इतने नंबर है, ज्यादा नहीं है ना। क्या उनका, तो हमको लगता है कि अभी तक तो नौकरी हुई नहीं है, याची तो है नहीं, जरूर। आपको बताया कि जी हाँ जब ये मैटर चल रहा था, शिक्षामित्र मैटर और बीए हाँ टेट जी 2011 मैटर, जी जी तो उस दौरान कोर्ट में और भी बहुत सारे मैटर आए और कई राज्यों से भी आते गए, ठीक है, सुप्रीम जी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जी सारे मैटर को टैग करती गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सब शिक्षा जी विभाग का है और सब बेसिक जी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ मैटर है और सब जो जी है लगभग मिलते जुलते मैटर हैं, ठीक है। विशेष तौर पे यूपी का जी ही मैटर था उसमें लगा हुआ। तो जी अब जो है, जो विवाद था उसको हल करने के लिए कुछ रास्ते तैयार करने थे। तो जी जैसे मान लीजिए दो चार भाई हों, उनका कोई विवाद हो जमीन जायदाद का, ठीक है। अब मान लीजिए बंटवारा हो रहा हो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण थोड़ा मैटर फंस रहा है, तो होता क्या है कि भाई उसमें चारों लोग से बात होती है भाई कि थोड़ा तुम ऊपर हो जाओ, थोड़ा तुम नीचे हो जाओ, 19-20 कर लो, तो विवाद का एक रास्ता निकाला जा सके। अब जी अगर लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे जाने को तैयार हो जाते हैं तो विवाद का हल एक निकल जाता है, लेकिन अगर लोग अड़ जाते हैं तो फिर वहीं पर समस्या बनी रह जाती है। तो ऐसे ही जो लोग कोर्ट गए थे, जो तरह तरह के केस किए हुए थे, वो अलग अलग केस लेकर गए थे। जैसे उदाहरण में ले लें कि शिक्षा मित्र मैटर, इसमें क्या था कि शिक्षा मित्र समायोजन अवैध, यहाँ तक कि उनकी ट्रेनिंग भी चैलेंज की गई थी कि वो भी अवैध है और सच में अवैध ही कराया गया था। दूसरा एक था बीए टेट 2011 का, जो अखिलेश यादव का विज्ञापन था, कपिल देव यादव इसको लेकर के गए थे। तो अगर कोर्ट हर केस को अलग अलग देखती तब तो हर केस पर अलग अलग जजमेंट देना पड़ता, लेकिन मैटर फिर उलझ जाता और हल ना निकल पाता। तो कोर्ट ने इस तरह से रास्ता निकाला कि जो लोग केस लेकर आए हैं, ठीक है, उनको अगर किसी तरीके से केस से हटा दिया जाए, वो केस लड़ना ही छोड़ दें, ठीक है, तो फिर अपने हिसाब से जजमेंट दे देगी। जैसे मान लीजिए हमारा आपका कोई लड़ाई झगड़ा है, मारपीट हुआ है, आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, अब तो कोर्ट कचहरी होगा। और अगर आप ही जो है केस करना लड़ना छोड़ दीजिए तो फिर क्या होगा, कोई मैटर ही नहीं रह जाएगा, खत्म हो गया। तो ऐसे ही इन लोगों को हटाने के लिए, चाहे वो कपिल देव यादव रहे हों या फिर वो हिमांशु राणा रहे हों, तो इन लोगों को केस से हटाने के लिए गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने मिलकर एक रास्ता निकाला कि कुछ लोगों को याची लाभ दे देते हैं। तो होगा क्या कि ये नियुक्ति पा जाएंगे तो ये केस लड़ना छोड़ देंगे, यानी केस को ये मौका मिल जाएगा कोर्ट को अपने हिसाब से अच्छा फिर सिचुएशन को हैंडल करें। तो इस अच्छा वजह अच्छा से याची लगे, अब स्पेशली एक दो लोगों को, हिमांशु राणा को या फिर कपिल देव यादव को, एक दो लोगों को सिर्फ याची लाभ दिया जाए तो फिर एक दूसरा ही विवाद जन्म ले लेगा। इसलिए कोर्ट ने कॉमन रूप से याची के लिए कर दिया कि जो भी याची इस दौरान तक आ चुके हैं यहाँ। तो कुल 1100 लोग थे करीब जब काउंट किया हाँ गया, जी उनमें जी से फिर जो है संख्या ज्यादा थी, कहा गया भैया छटैया कीजिए, कुछ लोग को बाहर कीजिए। तो फिर जब छटैया करना है तो कुछ कमियां निकालनी होंगी, कुछ लोगों में कमियां निकाली गई, भैया तो इनका जो है नाम गलत है, तो इनका ये गलत है, वो गलत है, वगैरह वगैरह। इस तरह से अच्छा कुछ लोगों को अच्छा छाट दिया गया, फाइनली 839 लोगों का नाम तैयार हुआ, उतने लोग को याची जी लाभ दे दिया गया। वो याची लाभ अच्छा इसलिए दिया अच्छा गया कि कोर्ट जो फैसला कर रही थी, निकट भविष्य में वो उस फैसले के अनुसार सबको नियुक्ति मिलना ही मिलना था, उनको भी मिलना था। बस फर्क इतना हुआ कि उनको जी पहले मिल गया, हम आप अभी इंतजार कर रहे हैं, और जब अच्छा गवर्नमेंट अच्छा हमको देगी नियुक्ति तो आपको भी मिलेगा, हमें मिलेगा। तो अच्छा उतने अच्छा लोगों को याची लाभ के माध्यम से नियुक्ति दे दी गई, लेकिन वहां पर कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने बड़े चालाकी से इनको नियुक्ति दिया है। लोग उसको अच्छा समझते नहीं, जो याची लाभ मिला है, जो जी याची लाभ मिला है उनको जो नियुक्ति मिली है,
कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है संविदा पर नियुक्ति इनको दी जाए, कोर्ट ऑर्डर के अनुसार उनको संविदा पर रखना था, गवर्नमेंट उनको संविदा पर रखा, बाद में परमानेंट कर दिया। तो लोग आज भी सोचते हैं उनको तो मिल गया हमें नहीं, लेकिन हमको आपको जब नौकरी मिलेगी परमानेंट मिलेगी। वो एक मिनट सर, वो संविदा पर वेतन तो पूरा पाते होंगे ना? वही बता रहे हैं आपको कि पहले उन्होंने संविदा पर रखा, फिर उनको परमानेंट कर दिया। आप एक चीज बताइए, जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है अगर उससे अलग होगा कोई भी चीज, तो कोई भी चैलेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो वो जो 839 लोग हैं उन पर तलवार हमेशा लटकी हुई है, कोई भी कोर्ट चला जाएगा, गवर्नमेंट अगर चाह लेगी, कोर्ट अगर चाह लेगी, तो उनकी नौकरी कभी भी खत्म कर सकती है। और जो हमको आपको जो मिलने वाला है वर्षवार नियुक्ति वगैरह, इसमें जो आपको मिलेगा तो इस पर कोई तलवार नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ पुख्ता काम, इसीलिए समय लग रहा है, गवर्नमेंट समय ले रही है, ठीक है। तो उस समय जो याची थे उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन कितने नंबर वाला है, सबको दे दिया गया। तो अब जब ये वर्षवार नियुक्ति होगा, इसमें भी आप देखिएगा, इसमें भी नंबर कितने नंबर हैं, 82 नंबर है आरक्षित वर्ग का या फिर 90 नंबर जनरल का, सब पाएंगे नियुक्ति। अच्छा, उम्र की भी कोई सीमा नहीं होगी। जी जी जी। तो याची लाभ कोई डिग्री नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही, वो कोर्ट अपना मैटर देखती है, मैटर को सॉल्व करने की सहूलियत के हिसाब से कभी कभी कुछ चीजें दे देती है। सही, आपने क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कुछ लोगों को हटाने के लिए है ना, इसलिए दे दिया जो ना। लेकिन अच्छा एक चीज बताए सर, 1200 समथिंग जो भी 1100 कुछ रहा होगा, और आपने बताया 839 जो 100-200 बचे हुए हैं, तो ये सब अभी भी मैंने पाए नहीं है, मैंने है याची जरूर है ना, लेकिन उनको नौकरी मिली नहीं, नहीं मिला है, हमारे अभी भी नहीं मिला है। हाँ जी। तो सब लोग वेट कर रहे हैं। आप सुने होंगे नाम रविंद्र दादरी हैं, सुने होंगे? अच्छा जी। तो रविंद्र दादरी हैं, एक BA TET 2011 के, और अच्छा, बड़े बड़े और भी नाम हैं बहुत सारे, अपने आप को बहुत बड़े नेता बनते थे। अभी एक नेताजी हैं वो महाराजगंज से, वो आम आदमी पार्टी से टिकट भी लिए हैं, राम कुमार पटेल, वो भी शायद रहे हैं 1100 में। सुनिए, हम किसी को ये सबों को नहीं जानते नेता, सीधे पढ़ा मार करके कहीं कहीं से जुड़े भी नहीं है, अब इतना 50 साल उम्र, अच्छी बात है, कहीं कुछ नहीं जानता, लेकिन पैसा दिया हूँ है ना, बहुत। तब तो आप बहुत अच्छे हैं कि आपने किसी को दिया नहीं, और इनको नहीं जानिए तो ही अच्छा है कि वो लोग हैं। क्या सुनिए सर, 1 रुपया भी नहीं दिया, ना किसी को मैं जानता भी नहीं, ना किसी के पीछे कहीं धरना प्रदर्शन गया भी नहीं, कुछ नहीं गया, पढ़ने लिखने का कोई लाभ नहीं। हम हमेशा बताएं कि धरना प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होगा, याची बनकर कोई लाभ नहीं होगा। जो ये बड़े बड़े अपने आप को नेता बनते थे, वो भी घर में बैठ गए शांत मार करके, कि ये भी जितना उछल कूद करना था कर लिए, लाभ कुछ नहीं मिला। वही अफसोस हुआ, एक बार वही हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो 92-94 हुए सब है ना, याची बन करके हमारे भी परिचित थे है ना, लगा कि इनका भी जो है उनका 92-94 मिले था, हमसे ज्यादा था है ना, लेकिन याची वो बन गए थे, पता नहीं कैसे कहाँ से संपर्क हुआ, क्या हुआ ना, हमको आए भी नहीं, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं, बन गया 1200 में। तो आप जो है कभी भी इन लोगों से मिलेंगे, उनसे कभी चर्चा हो, वैसे तो वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी अगर कोई चर्चा करने को तैयार हो तो उनसे चर्चा कीजिएगा, पूछिएगा भाई आपको क्या याची लाभ मिलेगा, तो कहेगा हाँ, तो पूछेगा कि याची लाभ जो मिला था तो कोर्ट ऑर्डर से मिला होगा, तो कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है, संविदा पर नियुक्ति या परमानेंट नियुक्ति, तो वो खुद ही बताएगा, कोर्ट ऑर्डर को पढ़ा होगा तो बताएगा कि नहीं संविदा पर नियुक्ति का ऑर्डर था। तब फिर आप उससे सवाल कर सकते हैं, जब कोर्ट ने संविदा कहा था तो आप परमानेंट गवर्नमेंट ने किया है, तब तो तुम्हारे ऊपर तलवार लटका है, कोर्ट कभी भी तुमको बाहर कर सकती है, कोई लेकर चला जाए मैटर कोर्ट को, तो गवर्नमेंट ने जानबूझ करके इनको जो है कोर्ट से ऑर्डर करवाया संविदा का, ताकि इनके ऊपर तलवार लटका के रखें, ये ज्यादा उछल कूद न करने पाए भविष्य में, क्योंकि ये नेता लोग थे, यही तो भड़काते थे सबको, तो जानबूझ करके नेता थे, पाए हैं नेता थे, वही लोग तो आगे जाकर कोर्ट कचहरी कर रहे थे, वही नेता बन गए थे, तो गवर्नमेंट भी चालाक है ना, इनकी नेतागिरी खत्म करना गवर्नमेंट को भी कोर्ट को भी आता है, तो जानबूझ करके संविधान नीति दी गई, बेटा फिर तुम अगर नेतागिरी करोगे, उछल कूद करोगे, तो तुम्हारे ऊपर जो तलवार लटक रही है कभी भी चल जाएगी, हम खुद ही चला देंगे। अच्छा अच्छा। कभी भी कोई अच्छी गवर्नमेंट अपने खिलाफ किसी को भी जाने नहीं देगी, और ऐसा मौका छोड़ेगी नहीं। जैसे उदाहरण ले ले मायावती जी का, मायावती जी अभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती है, कारण क्या है, उनके ऊपर 11,000 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है, और वो फाइल अभी शांत रखी गई है, जिस दिन वो उछल कूद करेगी वो फाइल खुल जाएगी। अच्छा,
ये अखिलेश का इतना बोलते हैं कट्टर कट्टर। वो बस इसी चुनाव तक बोलेंगे, उनकी भी फाइल जो है इसके बाद खुलनी शुरू हो जाएगी। नहीं चिरंजीवी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, बहुत अंडरवर्ल्ड बोलते हैं भाई, बर्दाश्त के बाहर बोलते हैं तो। अरे वो तो अपने बाप तक को नहीं छोड़ते हैं, अपने चाचा को नहीं छोड़ते हैं, और क्या कहा जाए। नहीं वही कहने इतना ज्यादा, अभी जो कल परसों में जो ना क्या क्या वो बोले थे, जो ना बहुत कुछ बोले थे जो है अब ना, मोदी जी बहुत आए खराब हैं, लगता है। मोदी जी हाँ आए हैं बनारस में, चलिए हाँ मान लेते हैं भाई राजनीति है वो अपनी जगह है, लेकिन एक हाँ सामान्य हाँ व्यक्ति ठीक को है। भी कोई इंसान बुरा नहीं कहता। अब वो कह रहे हैं कि भाई हाँ अंतिम समय में लोग वहीं जाते हाँ हैं। हाँ जी बताइए, ये लैंग्वेज जो भाषा जो है। हाँ हाँ ये है एक्चुअली ना। आप देखेंगे जो जमीन से उठा हुआ व्यक्ति रहता है वो हर चीज को अच्छे से समझता है, और जो पैदा हुआ हो, जिसके पैदा होते ही जो चांदी की चम्मच से खाया हो, तो वो क्या जानेगा। तो बस। उनको तो ऑस्ट्रेलिया में रहे, भारत की राजनीति का कुछ पता ही नहीं था। हाँ हमें विरासत में मिल गया जो है ना, चाचा को भी उधर किनारे कर दिया जो है ना, उसकर सब कुछ जो है सही था ये अपना बहुत अच्छे उनके। नेता बन सकते थे, लेकिन अगर इनकी पढ़ाई इंडिया में भी होती और ये शुरू से राजनीति में रहते, एक आध बार जो है छोटा मोटा नहीं भी चुनाव लड़े होते। एक चीज बताया, देखिए नेता है ठीक है, ये एकदम घोर जातिवादी ये नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को जाने के बाद ये कुछ पद पर आदमी को हो जाना चाहिए। अभी एजीएम घोर जातिवादी नहीं होना चाहिए। अब मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल कर ही रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है। अब 10% पर भी लोग मार गए, उसको प्रश्न चिन्ह लगा रहे, कहा 10% भैया नहीं मिलना चाहिए। देखिए एक्चुअली आरक्षण एक अलग मुद्दा है, इस पर कभी आपसे फिर चर्चा होगी तो फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। नहीं सर, वो गरीब आदमी सभी होते हैं, हर जात में होते हैं। देखिए जो फैक्ट बात है, बिल्कुल गरीब आदमी सब में होते हैं, क्या फॉरवर्ड में जो गरीब नहीं होते होते हैं सर, है हाँ ना। बिल्कुल होते हैं। आज भी बहुत दिक्कत में जो कटती है ना। बैकवर्ड में भी जो ना अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, दोनों होते हैं, सब में होते हैं सर। अगर बस कोई मतलब पात्र है ना, तो उसके साथ वो नहीं होना चाहिए। अब हम ही लोग बिल्कुल बताइए, बिल्कुल 46,189 पद निकाला था इन्होंने 2004 में, है ना। आज एक अंक से सर, है ना, 2009 पद, 209 मेरिट बनी थी। अब वह इस पहले जो है कभी एकेडमिक होती है, तो कभी इससे होती है, तो कभी उसी इंटीमिटी होती है ना। 2009 और 2008 साइंस की मेरिट जो है दो, है ना, और आर्ट्स की मेरिट 2009 गई, 209 गई थी, 209 ये इनका बना था। 208 की साइंस की कम गई थी एक अंक, और अच्छा। चूंकि आर्ट्स हम लोग को रहते 200 गई थी, ये 2004 की बात बता रहा हूँ। तो अब साइंस वाला जो हमसे कम पाया है वो सेट है, नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है, और मैं उससे एक अंक अधिक पाया हूँ, चूंकि आर्ट्स पढ़ा हूँ, है ना। अंग्रेजी पढ़ा था, मेरी जो बहुत कहाँ पुराने नहीं मिलता था नंबर वगैरह जो है ना, यूपी कर्ज प्रोडक्ट, तो एक अंक से बिल्कुल जो ना पीछे रह गए। तो अब उसके बाद वो एक बद्रीनाथ चौधरी करके कोर्ट में केस हुआ था, 1500-1500 रुपया लिया था इलाहाबाद जाकर के हम लोग उस दौरान, है ना, क्योंकि उसका कम पर हो गया था। हाँ अब वो बाद में मालूम हुआ, सब कोई वकील वकील खा लिए यूट्यूब के, मालूम हुआ कि फ्रीडम फाइटर्स क्या इस कैटेगरी में आता है, बाद में सब बताया सर क्या हुआ अच्छा। ना। तो हम लोग चलिए तो प्रशिक्षण संस्थान। वो चीजें खत्म की जा रही हैं, वो सब पुराना सिस्टम था। मुलायम सिंह यादव थे जो कि जो है नकल हाँ को हाँ और एकेडमी को बढ़ावा देते थे, वैसे ही अखिलेश यादव भी नकल और एकेडमी को बढ़ावा देने वाले थे। अब तो जी सर सिस्टम ही पूरा चेंज हो रहा है, और पुराने लोग चूंकि उनकी मेरिट अच्छी नहीं है ये गवर्नमेंट अच्छे से जानती है, इसीलिए हाँ जो हाँ है यहाँ पर जो भी अभी हम बता रहे हैं वर्षवार वाला, इसमें एकेडमिक का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ TET पास होना ही काफी है। कह तो रहे एकेडमी में पता ही नहीं चलता है सर, वहाँ एक अंक से जो 2004 में जो फाइव में हम लोग एक अंक से गड़बड़ हो गया, उसके बाद तो 2007 में कितनी बार आया ना, पता ही नहीं चला कि कहाँ हम हैं, है ना। हम एकदम पता नहीं चला जी, समझ लीजिए, है ना। 2011 में आया वो, उसमें भी नहीं भाई पढ़ा लिखा रहा आदमी, 94 नंबर आया, ये भी काम खत्म हो गया, है ना। अच्छा तब तक जो है 2018 में किए टीट जो है, TET दिया, TET 2 बार 3 बार पहुंच करके अंत में उम्र पहुंच गई 50 तक। वाह। वो तो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब साल 2 साल बचा है ना। तो पोजीशन अब ये है कि 10 साल कम से कम 200 साल मिल जाए ना। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो अब पूरी उम्मीद है कि महीने 2 महीने में थोड़ा सा आजकल चुनावी माहौल है, और इधर जो है प्री प्राइमरी को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई, प्री प्राइमरी में काफी चीजें हो रही हैं, तो जनवरी में प्री प्राइमरी संबंधित काफी चीजें जनवरी फरवरी में आएंगी सामने, और उम्मीद है कि उसी के साथ ही या उसके बाद
ये सब शुरू हो जाएगा, तो शिक्षा मित्र का भी होना है। हाँ, एक ही अंतिम चीज बता दीजिए, अंतिम चीज। अच्छा ठीक है, एक मेरी जीवन गाथा, जीवन चीजें नहीं बताया आपने, बता दिया। और इसके बाद जो पत्नी हमारी 2007 में बी एड की, ठीक है, अच्छा अच्छा 2007 में बी एड की। भाई हम नहीं लग पाया, हमारा काम थे भैया देखिए इन्हीं को कुछ करें आगे बढ़ाए, है ना। 2007 में बी एड की जो है, और उसके बाद जो है 2011 में टेट क्वालिफाई, है ना। आप 2011 में भी किए, 2016 में भी किए, ना दोनों में। लेकिन 2011 वाला इतना लेट वो होने लगा कि उसकी जो फोटो स्टेट तो है मसीटिए गायब हो गई कहीं, जो ना अपना छूट छट गया, है ना। तो उनके पास रोल नंबर तो होगा, रोल नंबर है, फोटो स्टेट है उसका, तो बस वही सुरक्षित रखिए। हाँ, फोटो स्टेट है, ओरिजिनल गायब हो गया कहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल की जरूरत ही नहीं है, फोटो स्टेट रखिए। और उसके बाद हमने अच्छा। लिंक शेयर किया है और टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ा भी होगा लिंक, तो फिर से शेयर कर देंगे। उस लिंक पर जा करके और रोल नंबर डाल करके रिजल्ट देख लीजिए और उसका मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बस वही काफी है। क्योंकि विभाग जब चेक करेगा, अपने सिस्टम में चेक करेगा, आपके पास मार्कशीट रहेगी तो भी, नहीं रहेगी तो भी, बहुत सारे लोगों को खो गया है, तो उसका हल जो है गवर्नमेंट निकालेगी। क्योंकि सबको पता है कि पुराने मैटर हो गए हैं, पुरानी चीजें हैं, किसी के पास हो सकती है, किसी की नहीं हो सकता है, किसी का कोई ना कोई कारण से मिस हो गया हो कहीं। तो कुल मिलाकर के वेबसाइट पर आप उनके चेक कर लीजिए, वहां शो कर रहा है। तो वो भी जब भी वहां फॉर्म भरना होगा, जो कुछ भी, वो सब ऑनलाइन होगा, वहां सिर्फ रोल नंबर मांगा जाएगा, रोल नंबर होना जरूरी है। नहीं नहीं वो है सर, फोटो स्टेट मेरे पास है, अटेस्टेड फोटो स्टेट है, ठीक है, मैंने ना तो करा रखा है, ओरिजिनल था उस समय अटेस्ट कराया था, उसको सुरक्षित कॉपी को रखा हूँ वाला। अभी तो अटेस्ट की कहानी खत्म है, आप स्वयं अटेस्ट कर सकते हैं अपने सिग्नेचर से। अच्छा, हाँ जी 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 जी, अब तो कहीं भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो अपना ही सिग्नेचर करना होता है। हाँ हाँ, सेल्फ अटेस्ट जी जी हो गया, अब तो इन्होंने जो अच्छा कर दिया है सब, है ना। तो आदमी जो ना अटेस्ट क्या कराता था, मुहरे रखा था जो ना मार करके अपना जो, अरे उसके नहीं, ये तो मान लीजिए जुगाड़ वाला काम हो गया, लेकिन जब जाते थे अधिकारियों के पास, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी हो या फिर किसी, तो वो भी अपने तरीके से ट्रीट करते थे, बहुत करें पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाती थी वहाँ पर, सर सर करके जो ना क्या बताया गया सारा कुछ करने के बाद भी ना। हाँ, तो वो सारी व्यवस्था गवर्नमेंट ने, अभी ये गवर्नमेंट जब से आई है इतना बदलाव कर दिया है, लोगों को इन चीजों का एहसास ही नहीं, जो पुराने लोग झेले हैं इन चीजों को वो ही समझ पाते हैं। वो समय याद कीजिए जब लाल बत्ती नीली बत्ती खूब सायरन बजाते हुए चलती थी, आज देखने को नहीं मिलता है। कह तो रहे कि उस समय पढ़ते समय जो ना अधिकारी का स्वप्न था, आजकल एकदम सैसा हो गया, आज में जिंदगी जो है कहीं मिल जाए, उत्तर नौगढ़ जो कहीं भी मिल जाए, कुछ मिल जाए, लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ सर, क्या हुआ क्या, अरे इतना ज्यादा जिसे नीचे से ऊपर तक जो लोग हो जाता है ना। नहीं हुआ भैया, पहले ही बता देते, उसको पूछने से पहले ही बता देते कि नहीं हुआ भैया, है ना। मैंने ये बहुत जो है ये शब्द जो है इतना कि क्या हुआ अभी, वैसे ही है वैसे ही है, मैंने अरे ज्यादा जिंदगी परमानेंट है सबकी, क्या एक झटका लगा जो खत्म हो जाएगा, जाएगा दुनिया से, जो यहाँ परमानेंट रखा है। देखिए जिंदगी है, जीना है, अब चाहे कोई सरकारी कर्मचारी बन के जी ले, कोई बिजनेसमैन बन के जी ले, कोई जो है कुछ और करके, बस लाइफ चलते रहनी चाहिए। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, परमानेंट क्या है, जो दुनिया में कुछ है परमानेंट, एक झटका लगा खत्म हो जाओगे, लेकिन लोग जो है ऐसा जो बना देते हैं। अच्छा सर ये जो बताइए, हाँ ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपने गाइडलाइन कर दिया, उनका खो गया मार्कशीट तो बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। नहीं हाँ, फोटो स्टेट रखा ही हूँ मैं ना, उसको जो है ना वही हमको शेयर कर दीजिए, देखता हूँ, हमको तो बहुत ज्यादा नहीं आता, बच्चे से जो है बच्चे को इंजीनियरिंग कर रहे हैं समझ लीजिए। तो बस आप ये जानिए कि आपकी और आपके श्रीमती जी की दोनों लोगों की ही साथ साथ नौकरी लगेगी, और ऊपर वाले की दुआ से जो है जल्द ही, बस ज्यादा समय नहीं है। नहीं नहीं लग जाता तो ठीक है सर, नहीं लगेगा तब भी अपनी गाड़ी चला दी है तो व्यवस्था होगी, घर मकान हो गया तो ये बताइए, लिंक तो हमको हमारी यही हेल्प करिए, ठीक है, हमारा नंबर सेव कर लीजिए आप, तो जिस नंबर पर आपने हमें कॉल किया है इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, तो अगर आप ग्रुप में नहीं तो ग्रुप का लिंक दे देंगे, जुड़ भी जाइएगा और आपको हम लिंक भी दे देंगे। हाँ एक दिन मैंने भेजा था आपसे बात करने का मैसेज दिया, लेकिन वो नहीं हुआ, मैं अभी तुरंत जो है बात करने के बाद मैं हेलो करके भेज दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए ग्रुप में जो भी हो, और उनको पहला काम एक दो दिन उनको चेक कर लें पहले जो ना, है ना, वो पहले उनका देख लें, है ना, उनका मार्कशीट जो रखे हैं फोटो स्टेट, है ना,
वो दिखा रहा है कि नहीं, नहीं होगा तो भाई कहाँ से बनेगा, क्या होगा, जब अरे बिल्कुल, तैयारी जब करें। आपका मार्कशीट की कॉपी है ना, जीरोक्स कॉपी, उस पर रोल नंबर हाँ होगा ही, हाँ वो वहाँ दिखेगा ही, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये पहले से तैयार रहे, 2 महीना पहले से अपना 80-70 ले करके, है बिल्कुल बिल्कुल। ना। और उनको भी ग्रुप में, अगर वो मोबाइल चलाती हो तो उनको भी ग्रुप में जोड़ दीजिए, और टेलीग्राम हाँ पर ज़्यादातर चीज़ें वो दी भी जाती हैं। चलाती है, वो भी चलाती है, वो भी प्राइवेट काम नौकरी करती है, अच्छा इसी अच्छा से तो जो बस अच्छी बात है। पीजीटी से जो है ना, अभी देखिए जो ना, 2 इंटरव्यू देखिए, 120 नंबर था पीजीटी हिंदी में, समझ रहे हैं, एक अच्छा, सौ बीस को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया अपन, लेकिन हुआ 122 पर। ओहो, 2 नंबर से। अच्छा अब सोचिए, नेट भी है, नेट भी क्वालिफाई किया है अच्छा ना, नेट भी है जो है, और 220 पर इतना मेरिट, विद्वान हो गए हैं सब, 125 में 122 पर हो रहा है। हाँ हम तो जनरल सोचे भी नहीं जनरल थे। जनरल में तो यही है कि अरे भाई सर, मेरिट बहुत जा रही है, कंपटीशन बहुत पता नहीं टफ एक है। सौ पच्चीस में 120 बहुत होता है सर, बहुत होता बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और हमारे लड़का बच्चा परिवार के बाद भी 120 पहुंचा जो है, एक कैबिनेट तारीफ है, सारी व्यवस्था भी हुई, 45 नंबर भी मिल गया चलिए, लेकिन ये जो भी मेहनत है ये सब बेकार नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, इस बार जो है नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही जो है, फिर अगला जो भी भर्ती होगा, जो कुछ होगा, ये अब सारी देखिए पढ़ाई इंतजार वहाँ कर काम रहा हूँ, आएगी, हो जाएगा। इंतजार कर रहा हूँ, 27,000 आ जा कोचिंग कर ली, कुछ किया जा भाई, जो ना अंतिम 50 साल की अवस्था में, 48 साल की अवस्था में है अरे ना, हो जाएगा, आपका नौकरी आपका भी होना है, उनका भी होना है, प्राइमरी में भी होगा, और जो उनकी मेहनत है, जो नेट क्वालिफाई किया है उन्होंने, और अभी 120 नंबर, तो ये पढ़ाई बेकार नहीं जाने वाली है, अगली भर्ती में उनका 100% हो जाएगा। अरे कहीं हो जाए भाई, कहीं भी हो जाए, ऐसे लोग पूछने वाले जो कहते हैं कि क्या हो गया दयाल, है ना, ऐसे छुटकारा मिल जाए कम से कम, वो है तो है ना। सही, लेकिन लोगों को छोड़ दीजिए, लोग तो भाई हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। सड़क कर रही है कि एजेंसी जो है देना न देना, लेकिन ये जो है चुभता है, जैसे कोई चीज जो हाँ है वो तो ना है ही है, चुपता तो है ही है, जब कोई पूछ लेता है कहता है तो। भाई, हम लोगों के पढ़ाई कुल अच्छे अच्छे हो गए है ना, उसी लाइन करो, अब तो लाइन भी नहीं लगाते हैं, सिस्टम बैठा कर उस लाइन में भी नहीं जाते हम लोग, कहीं फार्म भी गवर्नमेंट भरवाती है तो, है ना। 2000 का बीएड किया हूँ, 21 साल हुआ, एक 21 लंबी साल हो समय हो गया। गया, चलिए कोई बात नहीं, 97 का कुछ एमए मैंने पढ़ाई, किया। आपने जो भी डिग्री लिया, जो कुछ भी बीएड वगैरह किया, आप टीचिंग कर रहे हैं, आपका जो सपना था पढ़ाने का, जो आपने सोचा था, वो आप काम कर ही रहे हैं। बस फर्क इतना है कि गवर्नमेंट होता तो और अच्छी बात होती, और थोड़े समय की और बात है, हो जाएगा। चलिए ठीक, तो काफ़ी इसको लंबी बात हो चुकी है। हाँ फिर बहुत अभी अच्छी बात है, इसको आप नंबर सेव कर लीजिए सर, ठीक बिल्कुल है सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें और व्हाट्सएप कर दीजिए, हम नंबर आप। अभी तुरंत हेलो करके मैं भेज दे रहा हूँ, उनको भी जोड़ दूंगा, हाँ अब आप भी जोड़ेंगे, दोनों लोग हैं। ये है कि कभी कभी अगर होता है तो रामबाण की तरह जो है ना, थोड़ा तो सा बात हमारी आपकी हो जाएगी, तो दिशा निर्देश सही मिल जाएगा, सटीक है जी ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हर चीज़ शेयर करते रहते हैं ताकि सबको जानकारी मिलती हिंदुस्तान रहे। में बहुत भीड़, तो भीड़ टाइप की बहुत ज्यादा है ना, जानते न सुनते कुल, खाली रास्ता भी अगर किसी से पूछे नहीं जानता, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं जानते भैया, पूछ लीजिए दूसरे से, बता देगा, उल्टे बता देगा साला, अरे नहीं जानते तो बता दो कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ भैया, लोगों को ना कहने में, या जो भी सच्चाई सच्चाई एक्सेप्ट करने में पता नहीं क्या नहीं शर्मिंदगी आती है, तो क्या हम है। तो इस तरह के आदमी पूछ लेता हूँ, भैया जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो इसमें इंसल्ट की बात नहीं, हम पूछ लेंगे तीसरे से, आप गलत बता दोगे तो हमको परेशानी हो जाएगी, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, यही तो नहीं समझते तो हैं लोग। पता नहीं था, ईगो बनाए रहते, नहीं जानते हैं तब वो बताते हैं, उसको ना ही करवाए नहीं करेंगे, ना जानते हुए भी बताने लगते हैं सब चलिए ना। क्या कीजिएगा, हमने शुरू में ही हाँ कहा कि भेड़ चाल यहाँ पर है, तो ऐसे लोग की जो है भीड़ में क्या कहा नहीं जाए, ठीक है बहुत सर, ये संख्या है, सुनिए अब छोड़ ना, दीजिए इन अरे हम लोगों नहीं को। जानते, सुनिए, हम नहीं जानते तो नहीं जानते हैं, सीधी सी बात, नहीं जानते भैया, हम विद्वान थोड़ो बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड बोल रहे हैं, नहीं जानते या किसी से पूछ लीजिए, सही सही बात बताने में, और नहीं जानते सबको कुछ जबरी बता देते हैं कि इधर चले जाइए, आगे चले जाइए, बाएं चले जाइए, दाहिने बिल्कुल चले बिल्कुल, ऐसा जाइए, हमारे साथ पहले भी हुआ है, कई बार जो है जब आते जाते रहते हैं बाइक वाइक से, या कहीं रास्ता पूछा रहता है, तो लोग हाँ। गलत रास्ता बता देते हैं। नहीं कहता हूँ, जोर दे करके कहता हूँ, भैया तुम जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तब दूसरे से पूछेंगे, इसीलिए हम राही वही से नहीं, दुकानदार जो होता है, दुकान वाला जो हाँ स्थानीय होता है, उससे पूछता हूँ कि ई हो सकता है सटीक बताएगा, है ना, अलग बिल्कुल टप्पू बिल्कुल लोगों से नहीं पूछते, इसीलिए जीवन में भी इसमें भी ना, इसमें भी जो है तमाम तरह के विद्वान मिल जाएंगे आपको, जानते कुछ नहीं, सही रास्ते नहीं बताएंगे, अरे रास्ते हाँ, को चले रहोगे तो जितने भी संगठन है, चाहे शिक्षा मित्र हो, बीएड हो, बीटीसी, डीएलएड हो, सब में जो नेता बने पड़े हैं उनका भी वही हाल है। चलिए अरे वो फिर नेता बात होगी क्या आपसे। बनेंगे सर, सुनिए परिस्थिति का मारा हुआ, हम लोग तो शिक्षा में तो हो जाते हैं, लेकिन ये लेक्चरर बनेंगे, पीजी बनेंगे, पढ़ रहे ठीक है, कहाँ जलगांव में जा, यहीं यहीं से शिकार हो गए, यहीं को शिकार हो गए।
नहीं तो सब मेरिट बस वाले का फोन। आप जहाँ हैं ये मान के चलिए कि जो है अब बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, और थोड़े समय बाद जो आपका सपना था वो पूरा हो जाएगा, बस कुछ दिन की और बात है। नहीं, आप हमारा नंबर बस सेव कर लीजिए, कभी जब और घबरा कभी हो तो आपसे बात भी कर लीजिए। जी इसलिए बिल्कुल बचता है बिल्कुल आग्रह आपसे, और कोई बात नहीं, अच्छे इंसान है, अच्छे आदमी है आप, जो है आप लोगों से जुड़ना ठीक लगता है, सौभाग्य की बात है जी, ना। हमें भी अच्छे लोगों से जुड़े रहना अच्छा लगता है। चलिए हम अच्छा लगता है ना, सटीक बात सही बात अब तो सुनते रहता हूँ आपकी, जिसको भी तमाम लोगों से बातें होती रहती हैं, है ना, कहेंगे कुछ कहेंगे कुछ सब सुनता हूँ, हंसी आती है ना। नहीं आप अच्छे से एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया देते हैं, बढ़िया देते हैं, धरातल वाला जो है ना कोशिश करते हैं उनको, कि जो है साधारण सा कोई उदाहरण दिया जाए जो हमारे जीवन या उनके जीवन से जुड़ा हुआ हो। अरे उन्हीं के क्वेश्चन से उन्हीं से उन्हीं का आंसर देते हैं आप, ये सबसे बड़ी विशेषता है, अलग से नहीं जोड़ते हैं, वो जो कहते हैं उसी से उसका आंसर होता है, उसी में कहीं करने लगते हैं दांत निपोड़ने लगते हैं लोग, है क्या क्या जाए, हम लोगों ना। ने सुकरात को पढ़ा है, अरस्तु को पढ़ा है, तो उन्हीं लोगों से सीखा गया है कि जी कैसे जो है जी लोगों को पॉइंट तक पहुंचाना है। नहीं एकदम फैक्ट, एकदम सत्य है, यथार्थ सत्य की ना ये चीज है। तो ऐसे लोगों से जुड़ा रहना, हम तो कहीं जुड़े उड़े नहीं है सर, कहीं नहीं जुड़ा हूँ मैं, पहले अपना काम अच्छा किया अच्छा हूँ, है ना, कोई संगठन नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, चूंकि आपका पसंद आया हुआ है, कई बार मैं सुनता हूँ लोगों से जो है, और मैंने व्हाट्सअप भी किया था, नहीं उठ पा रहा था ना, तो थोड़ा मन में आ रहा था कि फर्जी है क्या, फालतू है क्या, नहीं है ना। एक्चुअली नहीं मैं बता अभी रहा भी, हूँ, अभी भी जब आपसे मेरी बात हो रही है, करीब 1800 लोगों के मैसेज व्हाट्सएप पर पड़े हुए हैं जो कि हमने अभी तक तो ओपन नहीं किया। आप बताइए 1800 मैसेज कैसे रिप्लाई दिया जाए सबको। हाँ नहीं नहीं समझ गए, आज उठ गया बात हो गई तो हमें लगा जी, तो भाई 2-4-10 बार घंटी जा पूरा, है ना, घंटी जा, कभी कभी दोपहर में करते थे, कभी शाम टाइम चेंज करके करते थे, हो सकता है कोनो समय फुर्सत हो, है ना, लेकिन नहीं हुआ एक दिन में तो कोशिश करते हैं एक दो लोगों से बात हो और जेन्युइन बात हो, सही बातचीत हो, ताकि फिर वो रिकॉर्डिंग डाल दें वहां तो लोगों को जानकारी हासिल हो। नहीं कुछ लोग नहीं फोन ठीक है करते हैं, सर जैसे अभी कल ही एक व्यक्ति फोन किया, वो जबरदस्ती लगा बात करने, तो अब जबरदस्ती कोई बात है, ठीक भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो हाँ हम कुछ जबरदस्ती तो आपसे कह नहीं रहे करने को, आपकी नहीं नहीं इच्छा सही है है जो आपका। मर्जी हो वो कीजिए। तो तरह तरह के लोग फोन करते हैं, तो एक दिन में एक दो लोगों से बात की जाती है और फिर जो बातचीत हुई नहीं रहती है वही वहां डाल देते हैं ताकि सभी लोग को जानकारी मिल जाए, तो नहीं ज्यादा ठीक है फोन भी सर, नहीं उठा पाते हैं आप। जानकारी बराबर मिलती है, लेकिन कई बार हुआ ना तो दिमाग में मन में आया है, तो आजकल जो चल रहा है समाज का, यो फर्जी है क्या, जो ना कहीं बातें नहीं हो पाती है कभी, मैंने जो मैं बता रहा हूँ दिल की बात बता रहा हूँ आपसे, शेयर कर रहा हूँ कि भाई समझ कई सकते हैं आप। कई बार जो है ना, जो जो समाज का ट्रेड चल रहा है ना आजकल, इसी में अच्छे लोग भी शिकार हो जाते हैं, हम जैसे लोग भी शिकार हो जाते हैं, विश्वास लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई हम सीधा व्यक्ति फाल हनुमान जी तो है नहीं कि दिखा देंगे, है ना, लेकिन सही रास्ते पर चलने के लिए यही है, इतना झेला दिया गया है, इतना जीवन में जो झेल गए हैं हम लोग, हाँ, इतना झेल विश्वास गए हैं। विश्वास खत्म होता जाता है ना इन सब चीजों के कारण। हाँ और न किसी ग्रुप में सब कुछ जो ना बहुत, तो ठीक है सर यही कि हमारा जो सेव कर लीजिए, और बिल्कुल देखिए बिल्कुल कभी कभी जो है ना, हम आप जैसे लोग से जुड़ते थे, एक चीज और जिज्ञासा हो रही है सर, आप कहाँ से हैं, मैंने जैसे हम तो बनारस से हैं, है ना, हम भी तो बनारस आप, से ही हैं। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, बनारस से हैं तो अच्छा, बनारस में आप बनारस कहाँ में से हैं? हम तो यही मकान बनाए हैं चांदमारी अच्छा, ना, चांदमारी में हैं, भोजूवीर के आगे। हाँ भोजीदर जीवन दीप स्कूल है, उसके आगे बड़ा हाँ, लालपुर है, जीवनदीप है, बीजी, नटनिया दाई उधर ही है। हाँ, बस बस ठीक, तब बताइए आप तो घर के आप निकल गए, अरे कहाँ हैं बनारस चांदमारी, से। चांदमारी हम जो है सैकड़ों बार गए हैं। अरे स्वागत हमारे है भाई, हमारे क्या ज्योग्राफी कहते हैं, हमारे जो है एक टीचर हैं ज्योग्राफी के, वो चांदमारी में ही रहते हैं, और उनके घर हम जो है अभी तो फिलहाल कई कई साल हो गए उधर गए हुए, तो उनके घर जो है बराबर आते जाते थे, उनके सुपुत्र हमारे मित्र थे। अच्छा आप हैं कहाँ से बनारस में बताएं, बनारस बस यही लंका, अच्छा लंका है, वहां में इस कोने पर आप उस कोने पर, बस यही बस ना, बस कैंट जो है स्टेशन है, जो जंक्शन, जंक्शन के आप उस पार हैं हम इस पार हैं। हाँ हाँ ठीक है, लंका की तरफ है, कौन सा जगह है लंका की तरफ, बस लंका कभी भी आप आना हो तो एक बार जो है मैसेज या कॉल कर लीजिए, अरे आपसे सर लंका जरूरी बेचू के आसपास कहीं भी नहीं, मुलाकात हो जाएगी। ये सर बनारस के हैं, बनारस में कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहीं पर जो ने सब जन्म कर्म और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, बस यही सब कुछ बनारस ही, और जो मैंने कुछ क्या, लास्ट में जो कुछ तैयारी वारी है वो इलाहाबाद से, प्रयाग से। मैंने ठीक है सर, इलाहाबाद हो गए, और चले गए, हम लोग को नहीं जा पाए, है ना, नहीं जा पाए, सेकंड लिस्ट में आया, जो ना आज भी एक खटखटता है, यूपी का आदमी पहली बार हो गया, सेकंड अच्छा लिस्ट में बीएचयू हुआ, तो क्योंकि पैसा वैसा जमा कर दिया गया था, यहाँ था बहुत पैसा, तो हुआ कि चलिए शायद इसको पढ़ने के बाद फिर उसमें जाया जाएगा ना, वहां जा पाए, आज भी मलाल है उसको बीएचयू का, है ना, ओहो,
जो यूपी कॉलेज में जो प्रोडक्ट शिक्षा हुई है ना, तो आपकी शिक्षा भी वहीं कहीं बीएचयू और आसपास कहीं हुआ होगा? हमारी इंटर के बाद जो शिक्षा हुई है, इंटर तक तो यूपी बोर्ड से थे, उसके बाद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हुई है। बीएचयू में एंट्रेंस भी हमने ग्रेजुएशन में निकाला था, बट उस समय एडमिशन नहीं लिए कुछ कारण से, और फिर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ही सारी पढ़ाई हुई है हमारी। नहीं तो पूर्वांचल इसी मैंने क्या डी कॉलेज जौनपुर वाला या कहीं दूसरे जगह? हाँ हाँ वही जो पूर्वांचल पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर वाला है उसी से संबद्ध कॉलेज से ही हुआ है। हाँ तो वो तो भाई सब हमारा पहले यूपी कॉलेज भी था, उसी से आज विद्यापीठ हाँ। हो गया, पहले बीएचयू था है ना। तो कहीं जो है मैंने ये इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई ना कोई कॉलेज जो है, जो भी कॉलेज होगा क्योंकि इस लाइन में क्षेत्र में भाई। हाँ सर, सर नमस्कार, जो ना कट गया था कम से कम, हाँ हाँ तो वो अंतिम वाला जो एक सब। घंटा हो गया था ना, तो 1 घंटे में फोन कट जाता है बीएसएनएल में। अच्छा, नहीं अंतिम भला तो सब भला जो है ना, आम के नमस्कारी हो जाए, जो सुगमतुआ बिल्कुल हो जाए बिल्कुल जो ना। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार जो ना, उसको सेव कर लीजिए सर। बिल्कुल ठीक है ठीक, रखते हैं, अभी नमस्कार। अभी मैं डिजिटल से भेज रहा हूँ, अभी अभी जो ना आपके व्हाट्सएप पर जो हाँ ना हाँ हेलो व्हाट्सअप कर करके दीजिए। भेज, जी बिल्कुल हाँ उसको उनका लिंक भेज दीजिएगा, चेक करूंगा मैं है ना। जी 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 बिल्कुल ठीक है, रखते हैं फिर, नमस्कार। ठीक ठीक सर, ओके 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 ओके।